दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट राजेश लोधी और इस वीडियो में हम आपको लेटेस्ट अपडेट देंगे। दोस्तों, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई है जिसमें कि एडवोकेट की जो है ड्रेस चेंज होने वाली है, तो इस टॉपिक पर आपको डिटेल में हम जानकारी देंगे। दोस्तों, मेरा नाम है राजेश लोधी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जुलाई 2021 में एक वकील साहब ने जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर एक PIL फाइल की थी जो है एडवोकेट की ड्रेस को लेकर के। उनका कहना था कि जो बैंड होता है एडवोकेट की, जो टाई होती है वो जो है क्रिश्चियन सिंबल है, वाइट कलर की जो टाई एडवोकेट पहनते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर भी जो है इसको देख रहे हैं। तो उनका कहना ये था कि जो टाई है ये जो है क्रिश्चियन सिंबल है, तो मैं दूसरे धर्म को मानने वाला हूँ तो मैं जो है इसको क्यों पहनूं और मुझे इसको पहनने के लिए फोर्स क्यों किया जा रहा है। तो इसके अलावा उन्होंने और भी टॉपिक्स रखे थे, इसी बात को लेकर के हम आपको वीडियो में डिटेल जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, अपनी PIL में उन वकील साहब ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कहा था कि जो एडवोकेट की जो ड्रेस है इसको जब से बनाया गया है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जब से बनी है तब से लेकर के कोई भी इसमें चेंजेस नहीं किया गया है और जब से लेकर आज तक वही के वही सेम पैटर्न चला आ रहा है। और दूसरा उनका कहना था PIL में कि जो हाईकोर्ट में वो गाउन पहनते हैं उस गाउन में भी जो है कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है और उसको जो है कोई भी चेंजेस उसमें नहीं किया गया है कलर को लेकर के और बैंड को लेकर के। तो इस PIL पर जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को बुलाया और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से बात की। और तो दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जो है इसकी जानकारी ली और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 5 सदस्यों की एक टीम बनाई है और उस टीम को जो है एडवोकेट की ड्रेस को निर्धारित करने के लिए बनाया गया है। अब यहाँ पर आपको एक बात और बता दें दोस्तों कि जो अथॉरिटी है, हायर अथॉरिटी है एडवोकेट्स की, जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, वही जो है सारे इंडिया के एडवोकेट्स को कंट्रोल करती है और उसके संबंधित जो है निर्णय को लेती है। तो अब जो है कमेटी बन गई है, 5 मेंबर्स इस कमेटी में, तो कमेटी डिसाइड करेगी कि जो एडवोकेट की ड्रेस में क्या चेंजेस होने चाहिए, बेल्ट को हटाना चाहिए और ड्रेस जो है कैसी होनी चाहिए, और इस पर जो है हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश करेगी और उस रिपोर्ट के आधार पर जो है PIL का फैसला होगा। तो आप लोग कमेंट कर बताइएगा कि आपको जो है आपके हिसाब से क्या एडवोकेट की जो ड्रेस कोड है उसको चेंज करना चाहिए, क्या जो है बैंड है वो क्रिश्चियन सिंबल जो है उसको क्या चेंज करना चाहिए, और जो है किसी हिंदू धर्म का कोई भी एडवोकेट है तो क्या उसको पहनने के लिए उसको बाध्य करना चाहिए, या फिर ये जो चेंजेस नहीं होते हैं तो क्या एडवोकेट के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। इस सब बारे में जो है आप अपनी राय रखिए और आप मुझे कमेंट करिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अब हम मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में।